पिछले 7 वर्ष के अंदर जो भी चयन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग हम प्रदेश के विकास के लिए कर सकें, 25 करोड़ लोगों के भाग्य को बदलने में कर सकें और 25 करोड़ जनता के सामर्थ्य से हम उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत कर सकें, आज उसी का परिणाम है। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की, सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो 6वीं-7वीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को सामने रख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, आज उस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है और ये निवेश केवल निवेश नहीं है, इसमें रोजगार भी है और इसमें विकास भी है।